نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। नहम क्लास हम मीर तकी मीर की गज़ल कर रहे हैं और आज हम उसका तीसरा शेर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बाकायदगी से पढ़ते होंगे, जो मैं तशरीह करवाता हूँ आप उसे नोट भी करते होंगे, लिखते होंगे। तो बच्चों आज शेर है कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात खाब कैसी है। चश्मे दिल कहते हैं दिल की आंख, उस आलम मतलब आखरत, या मतलब यहां यानी दुनिया। इंसान आलम अरवा से आलम दुनिया यानी इस दारुल इम्तिहान में आया और यहां से आलम बरजुख से होता हुआ वो आलम आखरत तक सफर करेगा, सफर करता है। और दुनिया में जितना अरसा इंसान गुजारता है वो इस कदर मुख्तसर है, बाकी जहानों यानी आलम अरवा, आलम बरजुख और आलम आखरत के मुकाबले में इतना मुख्तसर वक्त है कि जिसकी हैसियत एक ख्वाब जैसी है। जैसे इंसान जब ख्वाब देख रहा हो तो ख्वाब का दुरानिया चंद सेकंड होता है, आंख खुलती है तो मंजर बदल जाता है, ख्वाब का मंजर कुछ और था, जबकि आंख खुलने के बाद देखा तो मंजर कुछ और है। इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में एक ख्वाब की तरह वक्त गुजारता है। और ये ख्वाब इतना खूबसूरत और हसीन है कि इंसान इसकी रंगीनियों और रानाइयों में खो गया है, अब वो आँख खोलने की जुरत नहीं कर रहा। प्यारे बच्चों बड़े गौर से, ख्वाब है, आंखें बंद हैं और ख्वाब देख रहा है, यानी वो चीज देख रहा है जो आंखें खोले तो नजर नहीं आती, आंखें बंद करें तो दिखाई देती है, वो ख्वाब है। इसी तरह इंसान ने दिल की आंख बंद की हुई है और वो दुनिया देख रहा है, क्यों? क्योंकि जब दिल की आंख खुल जाए तो फिर दुनिया नजर नहीं आती, फिर हकीकत नजर आती है यानी आलम आखरत पे नजर जाती है। अगर ये बात समझ आ गई है तो तशरीह हो गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो तशरीह हो गई है। आंखें बंद है ख्वाब देख रहा है, आंखें बंद है तो ख्वाब देख रहा है, आंखें खुली तो ख्वाब नहीं दिखेगा, दुनिया दिखेगी हकीकत जो है, लेकिन हकीकत में यह भी हकीकत नहीं है। हकीकत जारी आंख से नजर नहीं आती, दिल की आंख से नजर आती है। और इसलिए इकबाल ने फरमाया कि दिले बिना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर, दिल का नूर नहीं। असल नूर वो है जो दिल देखता है, असल वो चीज है, हकीकत वो है इसे दिल की आंख देखती है। जार की आंख से ना तमाशा करे कोई,
हो देखना तो दीदा है, दिल वाह करे कोई। जारी आंख, हमने दिल की आंख बंद की है, हमारे दिल की आंख बंद है इसलिए हमें दुनिया नजर आती है। इस दुनिया की रंगीनियां, रानाइयां, खूबसूरती, हुस्न जमाल, इस आबो जहाने आबो गिल की खूबसूरती, इस आलम रंगो बू की रानाइयां हमें दिखाई देती हैं क्योंकि हमारे दिल की आंख बंद है। लेकिन जब दिल की आंख खुल गई तो फिर ये दुनिया नजर नहीं आएगी, ये ख्वाब नजर नहीं आएगा, बल्कि हकीकत नजर आएगी, यानी हमारी नजर आलम आखिरत पर जाएगी। दुनिया तो ख्वाब की तरह है, इसलिए शायर कहता है कि मियां इस दुनिया में खो कर ना रह जाओ, इस दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, तुम्हें तुम्हारे मकसद हयात और नस्बुलहन से दूर ले जा रही हैं। तुम भूल गए हो कि तुम्हारा मकसद तख्लीक क्या है, तुमने फरामोश कर दिया कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है, तुम किस लिए दुनिया में आए हो, तुम्हें क्यों भेजा गया है, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है। तुम भूल चुके हो कि ये दुनिया एक मुख्तसर ठिकाना है और आखिरत जिसमें हमेशा रहोगे उसकी परवाह करो, उसकी फिक्र करो। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये तो समुंदर के मुकाबले में एक कतरा भी नहीं है, और जिसके लिए तुम तगदो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। इसलिए शायर ने कहा कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, कि अपने दिल की आंख उस जहान पे खोलो, ये दुनिया तो ख्वाब की तरह है। जब अब तो सब कुछ यही दुनिया नजर आती है, इस दुनिया का हुस्न, इस दुनिया के मामलात में, इस दुनिया की मोहब्बत में तुम उलझ के रह गए हो, लेकिन जब मौत आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ देखा दुनिया में, जो कुछ देखा वो सब कहानी फसाना, वो सब कुछ ख्वाब था। लेकिन फिर पछताने से क्या हासिल होगा, यही तो मकसद है, यही तो खूबी है बड़े लोगों की, अजीम लोगों की, कि वो दुनिया को ठोकर मारते हैं, वो दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं रहती, उनके लिए दुनिया कुछ भी नहीं रहती, उनकी नज़र आगे होती है, आखिरत पे होती है, उनकी परवाह उन पत्थरों से कहीं बुलंद होती है जो उन पे बरसाए जाते हैं। तो बच्चों ये बात समझो, ख्वाब कब तक देखोगे, दिल की आंख से देखो ताकि हकीकत नजर आए, ताकि ये धुन छटे दुनिया की मोहब्बत की और अपनी मंजिल, अपना मुकाम और अपना मकसद वाज़े नजर आए। दुनिया की मोहब्बत है जिसकी वजह से लोगों से पूछा जाए व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपका मकसद हयात क्या है, आपका नस्बुल ऐन क्या है, वो कहते हैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर। भाई बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये आपकी अचीवमेंट है, पर्पज नहीं है, पर्पज इससे कहीं ऊपर है, और वो नज़र आएगा जब दिल की आँख खुलेगी, वरना ऐसे ही ख्वाब में ज़िंदगी गुजारते रहो, कुछ हाथ नहीं आएगा। डॉक्टर बनकर मारो लोगों को, जैसे आजकल हो रहा है, कोई परेशानी हाल नहीं है गरीबों का, जैसे डॉक्टर करते हैं, कोई नहीं पूछने वाला उनको, गरीबों को जो कुछ कर रहे हैं डॉक्टर बनकर, जो कुछ हो रहा है, बताएं क्या वो नस्बुलैन है, क्या वो मकसद हयात है? हरगिज़ नहीं। तो नस्बुलैन को समझो, मकसद हयात को समझो, वो क्या है, और वो कब समझ आएगा, जब ज़ाहरी आँख से नहीं, जब लोगों की नज़रों से नहीं, जब अपने दिल की आँख से देखोगे तो तुम्हें ये चीज़ें छोटी नज़र आएंगी। तो अल्लाह ताला आपको दिल की आँख से देखने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ शेर लिखे हैं, नोट कर लें, अगरचे एहसान दानिश का शेर है, अगरचे खुद बनी का जवाब है दुनिया, मगर खुदा की कसम एक ख्वाब है दुनिया, और जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है
दुनिया की हर शय फना होने वाली है। और लामा इकबाल का शेर है, दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो बच्चों इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह अमीना सर, खुदा हाफिज़।